हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन के नए नए अपडेट अब आ रहे हैं और इंस्टाग्राम से अब आप पैसे कमा सकते हैं। और ये जो मोनेटाइजेशन का नया अपडेट आया है, इसके बाद हर कोई इंस्टाग्राम पर रील बनाकर उससे पैसे कमा सकता है। और इस अपडेट का जो नाम है वो है सेंड गिफ्ट्स, मतलब सेंड गिफ्ट्स के थ्रू आप इससे अर्निंग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इंस्टाग्राम पर रील डाली और किसी को आपकी रील पसंद आ जाती है, तो वो सेंड गिफ्ट के थ्रू आपको पैसे भेज सकता है, वर्चुअल गिफ्ट भेज सकता है। वो कैसे भेजेगा, उसके लिए उसको प्ले स्टोर से या तो स्टार बाय करने पड़ेंगे, या एप्पल आईफोन है तो एप्पल स्टोर से उसे स्टार्स को बाय करना पड़ेगा, और उसके बाद वो आपको वर्चुअल गिफ्ट के रूप में आपकी वीडियो के ऊपर आपको भेज सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, और आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे जो सेंड गिफ्ट वाला ऑप्शन है इसको इनेबल करना है, कैसे उसको सेटअप करना है, और मैं सारा प्रोसीजर आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा लास्ट में मैं आपको कि आपके कितने डॉलर होने के बाद आप यहाँ से जो आपका पे आउट है वो आप निकाल सकते हैं, और आपको कितने स्टार्स पे कितने डॉलर मिलते हैं, सब कुछ पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंड गिफ्ट का सेटअप करने के लिए आपके पास चार डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसका सेटअप कर सकते हैं और इंस्टाग्राम से सेंड गिफ्ट के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपके बैंक की पासबुक होनी चाहिए, जिसमें आपके बैंक नाम होता है, आपका IFSC कोड होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, ये सारी डिटेल्स होती हैं। और चौथे नंबर पे आपको आपके बैंक का स्विफ्ट कोड भी चाहिए। तो ये चारों चीज़ें जब आपके पास हों तभी आप इसको सेटअप करें, उसके बाद ही आप इसे सेटअप कर सकते हैं। अब चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको सारा प्रोसीजर करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो इंस्टाग्राम पर सेंड गिफ्ट वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले इंस्टाग्राम का जो अपनी प्रोफाइल है उसे ओपन कर लेना है। तो मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ओपन हो गई है, और सेंड गिफ्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे, यहाँ पे आपका जो अकाउंट का इनसाइड है, आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड खुल गया है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड गिफ्ट ऑन रील्स, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल इस वाले, इसको सेटअप करने के लिए आपको सिंपल इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अर्न मनी व्हेन यू रिसीव गिफ्ट ऑन रील्स, मतलब जब आप रील्स पे आपको गिफ्ट्स मिलेंगे तो आप उससे अर्निंग कर पाएंगे। और यहाँ पे तीन ऑप्शन भी हैं कि बीइंग योर क्रिएटिव सेल्फ, जो आप रील क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट करते रहें, गेट सपोर्ट फ्रॉम योर ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस है उससे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा यहाँ पे, और अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यू विल गेट पेड फॉर द गिफ्ट्स, जो भी आपको गिफ्ट मिलेंगे उससे आपको यहाँ पे पेमेंट होगी। और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपल इस पे नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप पेमेंट अकाउंट, लेट स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो यहाँ पे आपको लीगल फर्स्ट नेम डालना है, लीगल सरनेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और कंट्री डालनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें फिलअप कर लेनी है जल्दी से, तो मैंने जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फ़िलअप कर ली हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो गया। तो हम सिंपल इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर बिजनेस इन्फो आ गया है, और ये जो अपडेट है सेंड गिफ्ट्स का ये आपको सबको मिल चुका है। ठीक है, धीरे धीरे, अगर नहीं मिला तो धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। इसके लिए बस आपको अपनी इंस्टाग्राम को अपडेट करना है, या नहीं भी करेंगे तब भी ये सब पे रोल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, कंट्री हमने इंडिया सेलेक्ट कर ली थी तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडिया सेलेक्ट आ गई। यहाँ पे बिजनेस टाइप की हम बात करेंगे, तो हम बिजनेस टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। ठीक है, इंडिविजुअल ही आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपके सामने ये एंटर योर इन्फो बोल रहा है, जो हमने लीगल नेम डाला था वो डालना है, मिडल नेम है तो डाल देना है, फिर लीगल सरनेम डालना है, ठीक है। तो ये सारी आपको फिलअप करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो हमने डाली थी वो ऑटोमेटिक डली हुई आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आपको प्राइमरी एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको टाउन, सिटी, यहाँ पे कंट्री, पोस्ट कोड, जो आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, पैन अकाउंट नंबर, जो आपका पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, जो मैंने आपको बताया था आपको चार डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। उनमें से एक पैन नंबर भी था, तो आपको पैन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको वैट GST रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर आपका नहीं है तो इसे आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान से देख के इसको टिक कर देना है। अंडर पेनल्टीज ऑफ पी ज्यूरी आई सर्टिफाइड डेट द नंबर एंटर्स इन द फॉलोइंग इज़ माई करेक्ट टैक्स पेयर, मतलब यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले सारी चीज़ें फ़िलअप कर लेता हूँ इसमें जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को सही तरीके से फ़िलअप कर लिया है, जो लीगल हैं, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी नाम है वही मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका अब आया चूज़ हाउ यू वुड लाइक टू गेट पेड, ठीक है। बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, या पेपल अकाउंट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेमेंट का जो अकाउंट सेटअप है ये आपको यहाँ पे इसलिए बोल रहा है, अगर आपने पहले बोनसेस वाले, जब बोनसेस का ऑप्शन आया था, अगर आपने वहाँ पे सेटअप कर रखा है अपना पेमेंट का अकाउंट, तो आपको यहाँ पे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं जो फर्स्ट यूज़र्स हैं, फर्स्ट टाइम जिनको सिर्फ सेंड गिफ्ट्स का ही ऑप्शन मिल रहा है और उनको ये अकाउंट सेटअप करने को बोल रहा है, तो उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सिंपल मैनुअली वाले पे इस पे क्लिक करना है, लिंक बैंक अकाउंट हम यहाँ पे लिंक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे ही मैनुअली पे क्लिक किया है, बैंक अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई, स्विफ्ट कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे जल्दी से डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे भर दी हैं, स्विफ्ट कोड डाल दिया, अपने अकाउंट नंबर डाल दिया, सारी चीज़ें यहाँ पे मैनुअली मैंने फिल कर दी। अब यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड, इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब ये टैक्स वेरिफिकेशन का आ गया, ऐड योर टैक्स इन्फो, तो हमें सिंपल इस पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे, ये बोल रहा है अलाउ इंस्टाग्राम टू यूज़ कुकी एंड सिमिलर टेक्नोलॉजीज ऑन अदर ऐप एंड वेबसाइट, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू लॉग इन एंड अलाउज इंस्टाग्राम टू सिक्योरली कनेक्ट विद ऐप्स, ठीक है। यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा, टैक्स वुड लाइक टू रिसीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट विकास, जो मेरी ऑफिशियल आईडी है ये आ गया है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसे हमें अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन, ये ऑटोमेटिक इंडिविजुअल सेलेक्ट है। हाउ डू आई डिटरमाइन माई टैक्स क्लासिफिकेशन, इसके बाद नीचे यहाँ पे है कि आप US के सिटीज़न हैं या नहीं, अगर हैं तो येस करें, नहीं हैं कि हम इंडियन हैं, इंडिया में मैं आपको सिखा रहा हूँ इंडियंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट, उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ रहा है इसको भी नो पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स इंफॉर्मेशन, एंटर नेम एंड टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका टिन नंबर होता है, ठीक है। फुल नेम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिन नंबर, ये मतलब आपका वही पैन नंबर ही है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप ये आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, जो मेरी कंट्री है इंडिया मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इंडिया मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आई हैव ए नॉन US टिन, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पहले डाल दिया था। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने ये नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो भी आपने एड्रेस डाला था वो आपको एक बार वेरीफाई करवा देगा कि आपने क्या क्या डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद फिर से बोलेगा कि यही सेम एड्रेस है आपका मेलिंग का, तो ओके कर देना है इसी को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोवाइड एडिशनल डिटेल रिलेटिव टू योर सर्विस, लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर, ये वाली 0% वाली है तो आपको 0% वाली सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका ये कंसेंट एंड साइन आ गया,
ठीक है, आपका डिजिटल साइन। उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको आई सर्टिफाइड पे क्लिक करना है और सिग्नेचर में आपको आपका टाइप योर फुल नेम, आपका जो भी पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद आपके यहाँ पे डेट आ जाएगी। यू कैन मॉडिफाई द डेट टू ए डे बिफोर एंड आफ्टर टू फिट योर टाइम जोन। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आपने फिलअप किया है, ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे आ जाएंगे हम बिल्कुल, और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे आप व्यू पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको अपडेट करनी है तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे अब हम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गेट योर टैक्स डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, आई वांट पेपरलेस डिलीवरी, मतलब आपके मेल के ऊपर मेल आ जाएगा इनका एक, ठीक है, या फिर आप अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। तो मैंने यही वाला सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे डन पे हमें क्लिक करना है नीचे। तो डन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन आ गया, यहाँ पे एड योर टैक्स इन्फो आ रहा है और ये ऑटोमेटिक अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन नाउ रिसीव गिफ्ट्स। अब आप कोई भी रील बनाएंगे तो उसके नीचे आपको सेंड गिफ्ट्स का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा, जो भी आपकी रील को देखेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल भी हैं, मेरा स्टेटस जो है वो एलिजिबल भी है। यहाँ पे आपको पे आउट अकाउंट भी दिखा रहा है, ठीक, यहाँ पे आपकी अर्निंग जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अलाउ गिफ्ट्स ऑन रील, ये इसको आपको ऑन रखना है एज इट इज़। तो इस तरीके से आप इसे सेटअप इनेबल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सेंड गिफ्ट्स का जो ये ऑप्शन है वो कैसे दिखाई देता है, जो भी वीडियो है उन सब में दिखाई दे रहा होगा अब ये। तो इस तरीके से सेंड गिफ्ट पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, जैसे सेंड गिफ्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंड ए गिफ्ट, यहाँ पे ये सब आ गया आप देख सकते हैं। तो यहाँ से वो मुझे स्टार के रूप में गिफ्ट भेज सकता है, एंड टू बैलेंस आ रहा है। तो पहले आपको प्ले स्टोर से यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे स्टार्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी गिफ्टिंग कर सकता है। तो मैंने ये अपने एक डमी अकाउंट से अपनी प्रोफाइल ओपन करी है, इसलिए मुझे ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंड गिफ्ट। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जब आपके अकाउंट में $25 हो जाएंगे तो आप अपना पे आउट यहाँ से निकाल सकते हैं, और आपके 100 स्टार पे आपको $1 बनता है, ठीक है, ऑलमोस्ट यही है अभी तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।